बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं शेफ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल में खारे बिस्किट, किस तरीके से बनते हैं, बेकरियों वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। तो दोस्तों ये हम बनाएंगे ओवन के अंदर, इलेक्ट्रिक ओवन में ये रेसिपी मैं बनाऊँगा। तो देख लेते हैं कि बेकरी स्टाइल में खारे बिस्किट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खारे बिस्किट बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 से 10 बर्फ़ के क्यूब्स लिए हैं और 200 ग्राम इसके अंदर मैंने घी शामिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों घी मैंने लिया है बनस्पति, और वो भी दानेदार घी। तो जब भी आपको बेकरी के लिए, क्रास के लिए, खारे के लिए, बाकर खाने के लिए जब भी आपको घी को जमाना है तो आपने घी लेना है बनस्पति, और वो भी दानेदार। दूसरा घी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करिएगा, क्योंकि उसके खारे बिस्किट्स या बाकर खानी कभी भी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो घी को अच्छे से गर्म करके बर्फ़ के अंदर मैंने डाल दिया है। तो देखिए जम चुका है, अब इसको मैं रख रहा हूँ 24 घंटे के लिए। तो दोस्तों एक दिन पूरा मैंने इसको रखा है बर्फ़ के अंदर, तो ये सारी बर्फ़ पिघल के पानी बन चुकी है, और जो घी है हमारा वो मक्खन की शक्ल में आ गया है। तो अब इसका अच्छे से पानी डिज़ोल्व करेंगे, निचोड़ लेंगे बिल्कुल। पानी इसके अंदर आपने नहीं रहने देना, इस तरीके से हाथ की मदद से इसको अच्छे से निचोड़ लें पानी को। फिर हम लगाएँगे खारे बिस्किट के अंदर। तो सबसे पहले इसको निचोड़ रहे हैं घी को, इस तरीके से सारा घी ले लें। पानी का बस आपने ख्याल रखना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। और इस वक्त ये मक्खन की तरह आपको लगेगा, कि जिस तरह के मक्खन होता है इस टाइप का। अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे और इसको कर देंगे साइड पर। और अब जो खारे बिस्किट्स का मैदा है वो गूंदना शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव मैदा। 1 पाव मैदा लेंगे इसके लिए, 10 ग्राम आइसिंग शुगर पिसी हुई चीनी, और 10 ग्राम कुकिंग ऑयल, और 4 ग्राम नमक। तो दोस्तों चीनी इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए, और ऑयल शामिल करने का मकसद यह है कि ये क्रिस्पी बने। और पानी तकरीबन 125 ml पानी इसमें जाएगा। तो आप शुरू में थोड़ा सा कम पानी आपने रखना है, तकरीबन 100 ml इसमें पानी ऐड कीजिएगा। बाकी पानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो नमक को अच्छे से हल कर लेंगे, मैदा इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे से आपने गूंदना है। गूंदने में कंजूसी नहीं करनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने गूंदना है मैदे को। जितना आपका अच्छा मैदा गूंदा हुआ होगा उतने ही आपके खारे बिस्किट्स अच्छे बनेंगे, हल्के बनेंगे। तो देखिए मैंने कुछ वीडियो बीच में से काट भी दी थी गूंदने की, मगर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, और मकसद यही है कि आप भी मैदे को अच्छी तरीके से गूंदा करें, जब ये खारे बिस्किट्स आपके अच्छे फूलेंगे। और इसी रेसिपी से आप पैटिस भी बना सकते हैं। तो अब इसको कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए, सेट होने देंगे इसको। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैदा हमारा सेट हो चुका है, इसको बाहर निकालेंगे। और ये जो मैंने घी जमाया था ये भी आपको नज़र आ रहा है, इसको बीच में इसकी फिलिंग करके एक टाइल की तरह बना के, एक ईंट की तरह बना के इसको बीच में लगा देंगे इसके, और साइडों से बंद कर देना है। तो मैदा दोस्तों देखें, ना ज़्यादा आपका सख्त होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, नॉर्मल मैदा हो, जिस तरह का कि रोटी का आटा आप बनाते हैं उससे थोड़ा सा बस सख्त हो, इससे ज़्यादा सख्त ना हो। इस तरीके से इसको अच्छे से पैक कर लेंगे, पानी वगैरह आपने नहीं लगाना है पैकिंग के दौरान। हाथ की मदद से थोड़ा बीच में से दबा दें ताकि जो इसका घी है सारा का सारा बीच में फैल जाए। और एकदम से आपने बेलन इसके ऊपर नहीं मारना है, पहले बेलन से हल्का हल्का जो इसके बीच में आपने घी की फिलिंग दी है उसको इस तरीके से फैलाना है, फिर इसको बेल लेंगे। तो 2 मरतबा हमने इसको बेलना है 15 से 20 मिनट का वफ़ा देके, और तीसरी मरतबा में हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से पतला करके बेल लीजिएगा, जितना आप इसको पतला करके बेलेंगे उतने ही खारे बिस्किट्स आपके अच्छे बनेंगे। और हल्की हल्की मैदे की डस्टिंग आपने करनी है इसके नीचे।
तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पतला करके बेल दिया है। अब इसको इस तरीके से कवर करेंगे। तो ये पहला हाथ है, ये मैं आपको बता दूं, दो मर्तबा आपने इसको लपेटना है, हल्का सा बेलन से बेल देंगे इसको ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और जब भी आपने इसको बेलना है तो टेबल या कोई ट्रे बर्तन आपका ऐसा होना चाहिए जो कि एक जैसा हो, ताकि ये मोटा पतला कहीं से ना हो, एक जैसा बिले ये। और अब इसको तकरीबन सेट होने के लिए मैं रख दूंगा 20 से 25 मिनट के लिए। और फिर जो अगला हाथ है वो बाद में इसको देंगे। तो अब रख देते हैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए। तो दोस्तों तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो एक मरतबा हमने इसको ऐसे ही दोबारा बेलना है, इसी तरीके से, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। इस वक्त बीच में घी वगैरह की कोई फीलिंग इसके बीच में नहीं देनी हमने, बस एक ही दफ़ा शुरू में घी देना होता है। और नीचे डस्टिंग आपने लाजमी करनी है जब भी इसको बेलना हो। इस तरीके से अच्छे से बेल लेंगे इसको। और इस मरतबा भी आपने इसको पतला करना है, जितना बड़ा कि आपके पास टेबल हो, जितना आप इसको पतला रखेंगे उतने जो आपका खारा बिस्किट है वो हल्का बनेगा, भारी नहीं बनेगा। तो पतला करके बेलिएगा इसको। और मैदे की डस्टिंग करते रहेंगे नीचे इसके। इसको अच्छे से मैंने पतला कर लिया है। अब दोबारा से ऐसे ही कवर करेंगे इसको इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी के बारे में कोई चीज़, कोई बात आपको अगर जो समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ से जाके मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। तो अब इसको एक ते और ऐसे ही देंगे हम, जैसे कि पहले हमने दी थी, हल्का सा बेलन लगा के इसके ऊपर। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको एक जैसा ही बेलिएगा, मोटा पतला कहीं से भी ना हो। जितना आप इसको प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे उतने ही आपके खारे बिस्किट्स अच्छे बनेंगे। तो पेटिस भी इसी रेसिपी से बनते हैं, इसी डो से बनते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और हो सके तो आप इसको ओवन में ही पकाया करें, पतीले में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको पकाने में, पक तो जाते हैं मगर असल प्रोफेशनल काम ओवन के अंदर ही होता है। तो आप एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक छोटा मोटा ओवन ख़रीद लें अगर जो आप इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं अपने घर में, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है ओवन की। ओवन में ही चीज़ें अच्छी बनती हैं दोस्तों। तो अब इसको मैं कवर करके रख देता हूँ दोबारा से तकरीबन आधे घंटे के लिए। और फिर इसकी कटिंग करके हमने खारे बिस्किट बनाने हैं। तो दोस्तों आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी हमने कटिंग करनी है। सिंपल बनाएंगे हम, आप चाहें तो इसमें कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपल चकोर खारे बिस्किट आज बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में टाई खारा भी बनाएंगे, दूसरे डिज़ाइन के खारे बिस्किट भी बनाएंगे सेम इसी रेसिपी से। तो मैं दोस्तों थोड़े से इसको मोटे रखूँगा, आप चाहें तो इसको बारीक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़े से बड़े बड़े खारे बिस्किट चाहिए फूले हुए ज़्यादा। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं बना रहा हूँ चकोर चकोर पीसेस, तकरीबन 15 से 20 ग्राम का एक पीस बनाऊंगा मैं, जो इसका पेड़ा है 15 से 20 ग्राम का। अब दूसरी साइड से इस तरीके से कटिंग करेंगे, आप छुरी से कटिंग कर लें या पिज़्ज़ा कटर है उससे अब भी आप कटिंग कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अब मैंने कटिंग कर दी है सारे के सारे। अब इस पर अंडे, एक मैंने अंडा ले लिया था वो इसके ऊपर लगाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इसका कलर देने के लिए, अंडे का और इसमें कोई काम नहीं है। आप चाहें तो पानी का ब्रश भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, सादा पानी नॉर्मल, और ओवन की ट्रे में इसको लगा देंगे इस तरीके से थोड़े थोड़े फासले से। और ओवन मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। तो ओवन भी हमारा गर्म है, तो गर्म ओवन में दोस्तों आपने इसको रखने हैं। गर्म ओवन में रखने के बाद ओवन को चला दिया करें, ये नहीं कि आपने गर्म ओवन में रख के इसको छोड़ दिया है। गर्म ओवन में रख कर फिर दोबारा इसको 180 डिग्री पे ओवन को 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए सेट करके छोड़ दिया करें। तो देखें ओवन मेरा पहले ही गर्म है और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे लगा के छोड़ दूंगा, और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे हम। तो माशाल्लाह से खारे बिस्किट्स फूलना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो।
कलर भी ज़बरदस्त आना शुरू हो गया है इनका। अब निकाल लेते हैं इनको, तो देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप इसका कलर, इसका लुक देख लें दोस्तों, बिल्कुल बेकरियों जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये। तो एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगा कि देखें ये अंदर से कच्चे तो नहीं हैं, कितने खस्ता और करारे बने हैं आप देख सकते हैं। बैक साइड भी देख सकते हैं इसकी। तो एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ कि कितने खस्ता बने हैं हमारे खारे बिस्किट। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक एक परत इसकी बिल्कुल खस्ता है आपके सामने। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर जो आप बेकरी के आइटम बनाना चाहते हैं, आपको शौक़ है या आप कारोबार करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक ओवन ख़रीद लें, चाहे इलेक्ट्रिक ओवन ख़रीद लें या गैस वाला ख़रीद लें, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पतीलों में चीज़ें बन तो जाती हैं मगर काफ़ी मुश्किल होती है और चीज़ उस मायार की नहीं बन पाती जो कि आप बेकरियों से परचेज़ करते हैं, जो कि असल चीज़ें होती हैं, असल रेसिपीज़ होती हैं। तो दोस्तों खारे बिस्किट की रेसिपी हमारी तैयार है, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।